तो स्वागत है आपको डाउट बुक के नए वीडियो पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज चलेगी, तो मॉडर्न इंडिया की उस सीरीज में हम लोगों ने देखा था गवर्नर ऑफ बंगाल, और जो अब सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टार्ट हुई है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के क्रम में हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ लिया था। वॉरेन हेस्टिंग को उनके पूरे पूरे काम हम लोगों ने देख लिए थे। उन्होंने इंडिया में क्या क्या सुधार कराए थे, क्या क्या उन्होंने इंडिया में आकर के काम किया था, उसी को हम आगे देखते हुए आज लॉर्ड कॉर्नवालिस जो सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया में आए थे। कारण क्या था, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे करके भारत भेजा था। इनको जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी वो थी भारतीय प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो भारतीय प्रशासनिक ढांचा था वो इतना अच्छा नहीं था कि उसी से पूरी की पूरी व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चलाई जा सके। तो इसको चेंज करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही संभ्रांत परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जो रिलेशन था, इनके जो पेरेंट्स थे, इनका जो परिवार था, उनका टर्म्स बहुत, उनके अच्छे टर्म्स वहाँ के क्राउन के साथ रहते थे। तो मतलब एक ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ईमानदार प्रगति के व्यक्ति थे। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में हार गए थे। यार्क टाउन का जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो वहाँ पर इनको बंदी बना लिया गया था। वो वाला बंदी नहीं भाई, कैदी, इनको कैदी बना लिया गया था। तो याद रखें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनकी जो पोस्टिंग इंडिया में करी जाएगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आएंगे 1785, कहीं कहीं पर 1786 भी मिलता है। तो इसको आप जरा देखेंगे अच्छे से कि 1786 से लेकर के जो इनका कार्यकाल चलता है इंडिया में तो 1793 तक चलता है। ये जो हमारा टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये उनका टाइम पीरियड है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, और जिम्मेदारी थी प्रशासनिक सुधार करना। तो इन्होंने कैसे प्रशासनिक सुधार किया इंडिया में उसको हम देखते हैं। इससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, वॉरेन हेस्टिंग हो या वेलेजली हो, तो इनको थोड़ा बहुत अच्छे से आप पढ़ना है आपको। और आपको मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, SSC के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, शुरू करते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, एक जिम्मेदारी दी गई थी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जिम्मेदारी दी गई थी वो थी भारतीय प्रशासनिक सिस्टम में या पद्धति में भारतीय प्रशासनिक सुधार करना, इनका मेन काम यही था। और ये बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, इनका सैनिक पृष्ठभूमि से पहले से ही संबंध रहा है, इनको सेना के विषय में सारी चीज़ें पता थी। अब इनको नई जिम्मेदारी दी गई थी, यानी प्रशासनिक सुधार कैसे करना है हमें। तो प्रशासनिक सुधार के क्रम में इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, जो तीन प्रकार के सुधार इन्होंने किए थे। नंबर फर्स्ट था न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार यानी जुडिशियल सिस्टम को सुधारना था इनका प्रमुख काम। नेक्स्ट इनका काम था भू राजस्व यानी जो लैंड रेवेन्यू आया करता था उसमें भी इनको सुधार करना था। और नेक्स्ट था वाणिज्यिक सुधार, वाणिज्यिक सुधार। तो ये तीन काम इनको करने थे, नंबर फर्स्ट न्यायिक सुधार, भू राजस्व सुधार और वाणिज्यिक सुधार। न्यायिक सुधार में इन्होंने चार प्रांतीय
अभी हम इसको आगे देखेंगे, चार प्रांतीय न्यायालय स्थापित कराए, चार प्रांतीय न्यायालय, न्यायिक शक्ति का पृथक्करण किया, न्यायिक शक्तियों का इन्होंने पृथक्करण भी किया था, मतलब अलग, यानी जो न्याय की जो व्यवस्था थी उसको इन्होंने चेंज किया था। भू राजस्व में इन्होंने एक पोस्ट को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, वो पोस्ट थी कलेक्टर की पोस्ट, यानी कलेक्टर को सिर्फ और सिर्फ क्या काम दिया गया था, भू राजस्व। ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी तो इसका काम था सिर्फ और सिर्फ भू राजस्व का, हम अभी आगे देखेंगे। वाणिज्यिक सुधार में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम किया इन्होंने, ये जो सिस्टम था वाणिज्यिक सुधार का, इसको करने का कारण ये था कि जो कंपनी थी, जो कंपनी सरकार थी, उसके जो ऑफिसर्स होते थे वो इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे कि वो कंपनी के अधिकारी तो रहते थे, वहाँ से सैलरी भी लेते थे और उसी के साथ साथ वो अपना प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, यानी कंपनी के साथ साथ वो अपना सरकारी काम के साथ साथ अपना निजी काम भी करते थे, जिससे वो अपना अधिकाधिक लाभ कमाते थे वहाँ के लोगों से। तो कंपनी को इससे नुकसान होता था, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह सिस्टम तय किया कि हमको ये व्यवस्था बंद करनी चाहिए। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तो कंपनी घाटे में आएगी, कंपनी जब घाटे में आएगी तो लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित करेगी, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने की अन्य व्यवस्थाएँ, अन्य तिकड़म करेगी, अन्य जुगाड़ लगाएगी, तो जिसके कारण ये व्यवस्था इन्होंने करी। तो याद रखिएगा, इसमें इसमें प्राइवेट यानी कंपनी के जो अधिकारी थे, जो अपना प्राइवेट वर्क करते थे लाभ कमाने के लिए, उसको रोकना, तो ये इन्होंने काम किया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम के लिए, इन्होंने क्या काम कराया और इनके काम भारत के जो बंगाल में लागू किए गए वो कहाँ तक सफल हुए, इनको हम देखेंगे अभी। तो भाई सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहली चीज़ तो ये सैनिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे, ये सैन्य पृष्ठभूमि से संबंधित थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संबंधित थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस विभाग, सबको नोट्स आप बना लीजिएगा, पुलिस विभाग में सुधार के लिए भी जाना जाता है, प्रशासनिक सुधार के लिए भी इनको जाना जाता है, प्रशासनिक सुधार के लिए भी, और सिविल सेवा यानी नागरिक सेवा, सिविल सेवा का जनक भी इसको माना जाता है, इनको माना जाता है सिविल सेवा के जनक। तो पुलिस सुधार में जो इन्होंने काम किया वो ये काम किया, पहली बात इन्होंने पुलिस थानों का निर्माण कराया, पुलिस थानों का निर्माण कराया। पुलिस थाना जो बना, उसका जो प्रमुख होता था, उसका जो भार साधक अधिकारी होता था या उसका जो इंचार्ज होता था वो दरोगा होता था, यानी इनका जो मुख्य होता था, जो इंचार्ज होता था इस थाने का, वो दरोगा कहलाता था। जो दरोगा होता था वो गांव के अंतिम व्यक्ति को न्याय पहुंचाने के लिए अपॉइंट किया गया था, और दरोगा का एक पद जो था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये जिले स्तर के लिए था, जिले में क्षेत्र स्तर के लिए, तो इसमें नोट कर लें, जिले के क्षेत्र स्तर में दरोगा का पद था, और जिले में जो प्रमुख होता था
पुलिस विभाग का, जिले में जो पुलिस विभाग का प्रमुख होता था वो एसपी होता था, एसपी होता था यानी पुलिस अधीक्षक, यानी पुलिस अधीक्षक। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एसएससी में पूछा गया था कि जिले में जो सबसे बड़ा पद था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तो वो पुलिस अधीक्षक था, क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी का पद था वो दरोगा था। तो ये पुलिस विभाग में सुधार इन्होंने किया, पुलिस की पहुंच लोगों तक पहुंचे ये इन्होंने तय किया था इस व्यवस्था के साथ। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया था, नोट कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस काम कराएंगे वो था प्रशासनिक सुधार। इन्होंने प्रशासनिक सुधार में सबसे बड़ा फेरबदल किया। कारण ये था, जो प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसको कलेक्टर कहते थे, कलेक्टर, संपूर्ण शक्तियाँ इसी के हाथ में थी। कलेक्टर का जो पद बना वो 1787 में कलेक्टर का वास्तविक पद बना। इसके पहले कलेक्टर होते थे, कलेक्टर को जो काम दिए गए थे वो कानून बनाने का काम, कानून को लागू करने का काम और न्यायिक काम, ये तीनों इसके पास हुआ करते थे, कलेक्टर के पास। मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी कलेक्टर के पास ही थी। तो उन जिम्मेदारियों को कम करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एक काम दिया, और रियल रूप में जो कि कलेक्टर का जो पद है वो 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दिखाई दिया लोगों को। तो कलेक्टर का सिर्फ काम ये था राजस्व की वसूली करना, यानी राजस्व वसूलना। इसका जो वास्तविक काम बना वो राजस्व को वसूलना था। राजस्व को वसूलने के एवज में कंपनी कलेक्टर को 1%, कंपनी 1% दिया करती थी, यानी राजस्व का 1% कलेक्टर को दिया जाता था उपहार के तौर में। कलेक्टर की सैलरी, कलेक्टर के पेंशन, कलेक्टर के अन्य भत्ते, कलेक्टर के अन्य पावर, सब कुछ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तय कर दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यह सिफारिश की कि जो कलेक्टर है इसके बहुत सारे काम होते हैं, इनके कामों को कम करते हुए और इनके कामों को सीमित करते हुए एक इस पद को बहुत अच्छे से बनाया जाए, और इस पद के लिए जो नए काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तय किए थे वो सब कुछ उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने उन्होंने रखा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात मान ली और कलेक्टर को एक अलग कर दिया गया, यानी ये जो न्यायिक क्षेत्र में भी इन्वॉल्व होता था उससे इसको हटा दिया गया। इसको यानी प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी कलेक्टर के हाथ चली गई। वो कलेक्टर का जो पद आज इतना पावरफुल बना है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से ही हुआ है। इसके पहले क्या होता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो कलेक्टर होता था वो दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, प्रशासन का सबका प्रमुख होता था। यानी वो जिला न्यायाधीश के स्तर तक का भी काम करता था, जिला मजिस्ट्रेट भी होता था। तो इन सभी पावर को कम कराया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जरूरी भी था कम करना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का काम यहाँ पर प्रशासनिक सुधार में शक्ति का विकेंद्रीकरण भी हम कह सकते हैं, यानी इन्होंने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यानी इन्होंने शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। तो ये भी हम बोल सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही में ही वकालत, वकालत पेशे की शुरुआत हुई। वकालत का जो पेशा है, जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो जो एक प्रोफेशन बना ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। ये आज भी उन्हीं का फेरबदल जो किया हुआ है वो आज भी हमारे देश में काम कर रहा है। ये फेरबदल जो उन्होंने किया हम न्यायिक सुधार में देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग भंग की प्रथा भी बंद कर दी। एक सजा होती थी अंग भंग की, यानी किसी भी शरीर का अंग काट दिया जाता था सजा के रूप में, तो अंग भंग की सजा
को भी इन्होंने क्या किया, तो खत्म कर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर 1790 से लेकर के 1792 तक एक वॉर होता है, तृतीय यानी थर्ड, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1792 तक होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में एक संधि होती है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो भाई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था कॉर्नवालिस यानी कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान, और टीपू के मध्य यानी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो टीपू सुल्तान का हुआ था। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपने पड़े थे। इसके साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को भी अपनी कस्टडी में ले रखा था, तो ये नुकसान हुआ था टीपू सुल्तान को। अंग्रेजों की जो मदद करी थी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मदद करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जीता, उसका कारण ये था कि कॉर्नवालिस ने अपनी टीम में निजामों को और मराठों को शामिल कर लिया था। इसके पिछले युद्ध में क्या हुआ था, जब हैदर अली लड़ा करता था तो हैदर अली निजामों को और मराठों को अपने पक्ष में कर लेता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उल्टा गेम खेला, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजामों को और मराठों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब अंग्रेज, निजाम और मराठा, इन तीनों की शक्तियां इस युद्ध में शामिल होती हैं एक साथ, और टीपू अकेला पड़ जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त होता है, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ जाता है और साथ ही में 3 करोड़ रुपए अलग से देने पड़ते हैं, और अपने 2 बेटे कस्टडी में भी देने पड़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में मालाबार व डिंडीगुल, मालाबार डिंडीगुल ये मैसूर रियासत में आते थे, ये दोनों क्षेत्र, और एक और तीसरा इनका क्षेत्र था बालाघाट, बालाघाट। तो इनका जो ये क्षेत्र था मालाबार व डिंडीगुल अंग्रेजों को मिल गए, मालाबार डिंडीगुल अंग्रेजों को मिल गए, और निजामों को और मराठों को जो मिला वो बंजर क्षेत्र ही मिला। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक शब्द कहा था कि हमने अपने शत्रु को लंगड़ा कर दिया है और दोस्तों को इतना मजबूत भी नहीं होने दिया कि वो हमसे टकरा सकें। तो आपने देखा ये थी अंग्रेजों की पॉलिसी, इनकी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध लाभ था और कुछ नहीं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर एक ये भी काम हुआ था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित जो प्रमुख काम हुए, जिनमें हमने देखा कि न्यायिक सुधार बहुत बड़ा काम था, न्यायिक सुधार में जो अदालतें होती थीं, जो अदालत थी वो 2 प्रकार की हुआ करती थी, जो अदालत थी वो 2 प्रकार की हुआ करती थी, एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। ये 2 प्रकार की अदालतें होती थीं, ये जिला स्तर पर होती थीं, जिला स्तर पर अदालतें होती थीं। दीवानी अदालत में हिंदू लॉ व मुस्लिम लॉ दोनों लॉ चलते थे,
हिंदू और मुस्लिम के जो लॉ होते थे वो कानून होते थे, ये दोनों यहाँ पर मान्य होते थे। फौजदारी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ चलता था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लॉ चलता था। याद रखिएगा, मुस्लिम लॉ फौजदारी में चलता था, दीवानी में हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों चलते थे, यानी हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट दोनों चलते थे। जो दीवानी अदालत का जो प्रमुख होता था वो कलेक्टर होता था, कलेक्टर होता था, सर्वे सर्वा कलेक्टर हुआ करता था। फौजदारी जो अदालत थी, फौजदारी अदालत का जो काम था वो नवाब के हाथ में रहता था, नवाब या निजाम के हाथों में हुआ करता था। कलेक्टर उस समय मात्र 500 रुपये तक का ही जुर्माना लगा सकता था सर्वाधिक, और फौजदारी जो अदालत थी उसका जो उसमें जो लोग अपराध करते थे तो वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में आया करता था वो अपराध, यानी उनको सजा सुनाने का अधिकार जो हुआ करता था वो नवाब के पास हुआ करता था। लेकिन उसमें भी हस्तक्षेप होता था कलेक्टर का, यानी कलेक्टर आप देख रहे हैं कि दीवानी में भी हस्तक्षेप करता था, सर्वे सर्वा ही था, और फौजदारी में तो हस्तक्षेप करता ही करता था। जो फौजदारी अदालत थी, फौजदारी अदालत में जो हुआ करता था, भारतीय अधिकारी, ये जो प्रमुख हैं, भारतीय अधिकारी प्लस मुफ्ती, मुफ्ती और काजी, ये तीन हुआ करते थे, ये इनके हेड हुआ करते थे। ये भारतीय अधिकारी यहाँ पर कलेक्टर ही हुआ करता था। तो आपने देखा कि कलेक्टर, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत दोनों ही अदालतों में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए था। तो इसको कम करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन जिला अदालतों को ख़त्म किया, यानी दीवानी अदालत को छोड़ दें अगर हम, तो फौजदारी अदालत को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि निज़ाम या नवाब, अब आप न्याय ना करो, ये न्याय ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस न्याय करवाएगा। कारण यह होता था कि जो वहाँ पर सब मुस्लिम लॉ चलते थे तो मुस्लिमों की मेजोरिटी हुआ करती थी और मुस्लिमों के हित में यह अधिकांशतः फैसला चला जाता था, जिसको कम करने के लिए और न्याय सभी तक बराबर और सुव्यवस्थित रूप से पहुंचे, इसके चलते इन्होंने यह काम किया, यानी जिला स्तर तक की जो फौजदारी न्यायालय थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो दीवानी न्यायालय थी, दीवानी न्यायालय के ऊपर एक और न्यायालय हुआ करती थी, सदर दीवानी, सदर दीवानी न्यायालय। तो याद रखिएगा, दीवानी न्यायालय के ऊपर हुआ करती थी सदर दीवानी न्यायालय, ऐसे ही फौजदारी न्यायालय के ऊपर हुआ करती थी सदर फौजदारी न्यायालय। जो फौजदारी न्यायालय हुआ करती थी, फौजदारी न्यायालय, इसके जो ऊपर न्यायालय हुआ करती थी सदर फौजदारी न्यायालय, सदर फौजदारी न्यायालय, ये इसके ऊपर की न्यायालय होती थी। यानी फौजदारी न्यायालय पर और दीवानी न्यायालय में यदि न्याय नहीं मिल पाता था तो व्यक्ति क्या करता था, सदर फौजदारी न्यायालय या सदर दीवानी न्यायालय में चला जाता था। और एक और न्यायालय हुआ करती थी जिसका नाम था सदर निजामत, सदर निजामत जो न्यायालय थी वो लाइक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती थी, यानी सबसे बड़ी उस समय की न्यायालय थी। ये थी मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता था, बंगाल में, और आपको मालूम होगा कि मुर्शिदाबाद में ही नवाब रहता था, तो ये सदर निजामत को अपने पास रखे हुए था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सदर निजामत को वापस ले लिया नवाब से और इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कर दिया, यानी उस समय कलकत्ता जो था, कलकत्ता, यानी सदर निजामत अब कहाँ पहुँच गई, कलकत्ता। कलकत्ता में वॉरन हेस्टिंग ने पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में करा रखी थी, लेकिन ये भी न्यायालय मुर्शिदाबाद से उठ करके कोलकाता यानी कलकत्ता पहुँच गई थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अदालतों को सुधार कराते हुए
चार प्रकार की भ्रमण, चार भ्रमण यानी सर्किट, सर्किट न्यायालय, चार भ्रमण न्यायालय स्थापित कराए, चार भ्रमण न्यायालय। ये जो चार भ्रमण न्यायालय बने थे ये प्रांतीय स्तर तक के थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रांतीय स्तर तक के थे, ये आप नोट कर लें, प्रांतीय न्यायालय स्तर तक के थे। यानी भ्रमण न्यायालय सर्किट कोर्ट का मतलब है ये डोर टू डोर मतलब चलते फिरते न्याय देंगे, ये चार प्रांतों पर स्थापित कराए थे। फर्स्ट कलकत्ता, कलकत्ता में एक स्थापित हुई थी, फिर पटना में एक स्थापित हुई थी, फिर एक मुर्शिदाबाद में स्थापित हुई थी, मुर्शिदाबाद, और इसके बाद एक ढाका में स्थापित हुई थी। यानी आपने देखा यह पटना बिहार, बाकी तीन बंगाल में ही स्थापित हुई। ये चार भ्रमणकारी न्यायालय या प्रांतीय न्यायालय का गठन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब जिला स्तर तक के न्यायालयों को हटा दिया तो उसी के एवज में या उसी के स्थान पर ये चार भ्रमणकारी न्यायालय स्थापित कराए। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था वो चार भ्रमणकारी न्यायालय में कहीं भी जा करके न्याय ले सकता था। यदि वो यहाँ के न्यायालयों से भी असंतुष्ट होता था तो फिर वो सदर स्तर तक के न्यायालय में जा करके न्याय पा सकता था। तो ये व्यवस्था इन्होंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराई। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया होगा सभी ने। फिर आगे देखते हैं हम, दीवानी जो न्यायालय ख़त्म कराई थी जिला स्तर तक की, तो इन्होंने दीवानी अदालत को नए प्रकार से बना दिया। जो दीवानी अदालत थी उसको नए प्रकार से बनाया। नंबर फर्स्ट मुंसिफ, मुंसिफ न्यायालय, जो मुंसिफ न्यायालय थी उसका जो प्रमुख होता था वो भारतीय होता था। मुंसिफ न्यायालय का प्रमुख जो होता था वो भारतीय होता था। दूसरी थी इनकी रजिस्ट्रार न्यायालय, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार न्यायालय। ये जो रजिस्ट्रार न्यायालय थी इनकी दूसरी, तो रजिस्ट्रार न्यायालय में किसी यूरोपी को, इनको यूरोपियों से बहुत चाहत थी, किसी यूरोपीय को अध्यक्ष बनाते थे। और इनकी जो तीसरी थी, इनकी जो तीसरी न्यायालय थी वो थी जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में भी यूरोपी ही उसका अध्यक्ष होता था, यूरोपी ही उसका अध्यक्ष होता था। और फिर चौथी, आपने अभी देखा मैंने आपको लिखाया लिखाया इसमें कि चार प्रांतीय भ्रमणकारी न्यायालय जो यहाँ पर थी वो प्रांतीय न्यायालय थी, प्रांतीय न्यायालय। तो इसमें भी यूरोपी हुआ करता था। यानी मुंसिफ न्यायालय में सिर्फ इंडियन की अपॉइंटमेंट होती थी, इंडियन को ही अपॉइंट कराया गया था। रजिस्ट्रार न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय, इन सभी में यूरोपियों की ही नियुक्ति कराई गई थी। तो इस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार किया। तो न्यायिक सुधार में आपने देख लिया होगा इन्होंने कैसे कैसे सुधार कराया और क्या क्या सुधार कराया। तो न्यायिक सुधार के बाद इन्होंने प्रशासनिक सुधार में भी ध्यान दिया था। प्रशासनिक सुधार के विषय में मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि इन्होंने सबसे मजबूत पद बना दिया था, कलेक्टर का पद जो हुआ करता था उसको अलग कर दिया था। इसको वास्तव में कलेक्टर क्या है ये इन्होंने बताया कि जो कलेक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम क्या था, टैक्स को वसूलना, टैक्स की वसूली करना, और इस वसूली करने के एवज में 1% लाभ दिया जाता था इनको, यानी मुनाफा दिया जाता था, या आप इनको ये बोल सकते हैं कि ऐसा काम करने के एवज में इनको इनाम के रूप में 1% दिया जाता था। मेन काम था सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर का। लेकिन कालांतर में जब हम देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाया गया ये पद जो कलेक्टर का था, जो 1787 में आया वास्तविक रूप में, इसके पहले भी थे ये, लेकिन ये 1787 में रियल में कलेक्टर है क्या, उसकी पावर क्या है, ये इन्होंने तय किया। तो ये जो कलेक्टर आया
ये कालांतर में आगे चल करके ब्रिटिश प्रणाली की या ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा। और आज भी हमारे देश में यही है, यानी प्रशासनिक सुधारों में प्रशासन में सबसे बड़ा पद डीएम यानी कलेक्टर का ही माना जाता है। तो ये इन्होंने प्रशासनिक सुधार किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन को अलग कर दिया था, न्याय को अलग कर दिया था। इसके पहले क्या होता था कि कलेक्टर सब जगह पर मौजूद रहता था, ठीक, चाहे वो न्यायिक काम हो या प्रशासनिक काम हो, यानी विधि को बनाने, विधि को लागू करने और दंड देने का अधिकार सब कलेक्टर के पास में ही थे। इनके अधिकारों को कम करते हुए, सीमित करते हुए, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करी थी और जिसके चलते इन्होंने ऐसा कर दिया था। तो पुलिस सुधार भी हम लोगों ने देखा था, प्रशासनिक सुधार भी हमने देखा, न्यायिक सुधार भी हमने देखा। अब जो हमारा अगला क्रम आ रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, सबसे इम्पॉर्टेंट काम भूमि सुधार, यानी भू राजस्व सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसी काम के लिए और भी भेजा गया था। कारण था कि बंगाल में जो व्यवस्था चल रही थी वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, कंपनी घाटे पे जा रही थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। तो इन सब को रोकने के लिए और कलेक्शन टैक्स का हो नहीं पा रहा था सही से, लूट खसोट अधिकारियों के बीच में थी, तो भू राजस्व सुधार करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में वास्तव में भेजा गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के एक दोस्त थे और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर भी थे ब्रिटिश में, जिनका नाम था जॉन सोर। ये जॉन सोर बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। जॉन सोर ने ही सारा सिस्टम तय किया था। जॉन सोर के दिमाग की उपज ही थी ये कि जो भू राजस्व प्रणाली इंडिया में आई, यानी स्थायी बंदोबस्त के रूप में जो बंगाल में लागू कराने में जॉन सोर का बहुत बड़ा रोल है, और उसको इन्होंने कॉर्नवालिस के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया। तो जॉन सोर के दिमाग की उपज थी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी प्रथा, यानी इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, या इस्तमरारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त को हम समझेंगे ये कैसे काम करता था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तरी सरकार में लागू किया गया। ये जो उत्तरी सरकार है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय एरिया है, उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त है क्या, इसको हम देखें। तो स्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व को वसूलने की एक व्यवस्था थी, जिसके तहत जमींदारों को संपूर्ण गांवों की भूमि का स्वामी मान लिया गया। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार ही गांवों की संपूर्ण भूमि के स्वामी थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदार को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई और उनसे ये कहा गया कि हमको साल में 2,68,00,000 रुपए चाहिए। इसके लिए लीज पे यानी टेंडर दिए जाने लगे, पट्टा दिया जाने लगा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। इस प्रकार से जमींदारों को पट्टे पर उस गांव की भूमि दे दी जाती थी। और जमींदार जो होता था वह टैक्स का कलेक्शन करता था, किसानों से टैक्स को कलेक्ट करके अंग्रेजों को देता था। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा काम है कि हमको किसान के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और हमारे पास जो हमने एक सर्टेन कलेक्शन कराया था, इसकी मांग करी थी सर्टेन कलेक्शन की, वो हमको मिल भी जाएगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे से इन्होंने ये सोचा था। लेकिन हम जो सोचते हैं वो हो ही जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो
उसी को देखते हुए आगे चल करके ये जो स्थायी व्यवस्था थी, ये जो स्थायी बंदोबस्त था, ये फेल हो गया। कारण क्या हुआ, जमींदार क्या करने लगे, किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे, जिससे किसान नाराज हो गए। जमींदारों और किसानों के बीच में एक टकराव होने लगा। जमींदार जो हुआ करते थे तो वो स्वयं तो जाते नहीं थे लेने के लिए टैक्स, वो क्या करते थे, अपने नीचे एक अधिकारी नियुक्त किए थे, उस अधिकारी को अमला कहा जाता था। अमला किसानों के पास जा करके टैक्स को वसूला करता था। वो किसानों और अमला के बीच में भी टकराव होने लगे। कारण ये भी था कि जो इन्होंने सोचा था कि हम इतना कलेक्शन कर लेंगे टैक्स का, वो किसानों से नहीं हो पाता था, और जिसके चलते जमींदार और अंग्रेज़ों के बीच में भी टकराव देखने मिले। बहुत सारे जमींदारों की पूरी पूरी प्रॉपर्टी चली गई, क्योंकि कारण था कि भाई पट्टे पर अंग्रेज़ों ने कहा था कि इतनी रकम हमें चाहिए ही चाहिए। यदि उनको रकम नहीं मिल पाती थी तो जमींदार अपनी ज़मीनों को बेच करके अंग्रेज़ों की जो रकम की कीमत होती थी उसको चुकाया करते थे। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो 1790 में, यानी 1790 में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया गया। लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त वास्तव में जो लागू हुआ वो 1793 में लागू हुआ। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी सरकार में लागू करा दिया गया। स्थायी बंदोबस्त जॉन सोर के दिमाग की उपज थी। और स्थायी बंदोबस्त जो भारत में लागू हुआ था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भारत में मात्र 19% भाग पर लागू रहा। यानी स्थायी बंदोबस्त 19% भाग पर लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त के तहत ये भी शर्त रखी गई जमींदारों से कि आप जितना भी टैक्स का कलेक्शन कर दें उसका 89% कंपनी को चाहिए और 11% आप अपने पास रख सकते हैं। यह हम ऐसा कहें कि 1/11 भाग जो होगा वो जमींदारों के पास रखा जाता था और बाकी का भाग कंपनी को जमींदार दे देते थे। इस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी सरकार के क्षेत्र में लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये जो व्यवस्था आई थी ये इतनी जल्दी फ्लॉप होगी, लेकिन ये आगे चल करके फ्लॉप हुई व्यवस्था। ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये फ्लॉप नहीं हुई। लॉर्ड वेलेजली इसको मद्रास में भी लेकर के जाएंगे स्थायी बंदोबस्त को। तो हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के भूमि राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, पुलिस सुधार, सभी प्रकार के सुधार इनके हमने देख लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा भारत में भेजा गया बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके। 1805 में ये पुनः इंडिया लौटते हैं, यानी बंगाल आएंगे ये। और जब ये गवर्नर जनरल के रूप में रहेंगे तो ये ज़्यादा नहीं चलते हैं, और 1805 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो कब्र बनी हुई है वो गाजीपुर यूपी में बनी हुई है। तो यहाँ से भी याद कर लीजिएगा आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है किस एकमात्र गवर्नर जनरल की कब्र यूपी में है या इंडिया में है, तो गाजीपुर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो जो अपेक्षाएं करी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ हद तक इनको पूरा किया। तो आपने देखा स्थायी बंदोबस्त, प्रशासनिक सुधार, भूमि सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसका जनक माना गया, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस माना गया। पुलिस थानों का निर्माण भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया। तो इस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अच्छे स्तर तक के भारत में काम कराए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक, थैंक यू क्लास।